अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल वालेकुम। चाल? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खरीस होंगे। मेरा नाम है जमीर और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो हमारे एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने सजेस्ट की थी। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल मैं आपको बता देता हूँ, यह है जी 12 मोस्ट गॉर्जियस कॉलेज कैंपस अक्रॉस इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। याद है आपको वो दिन जब हम कॉलेज कैंपस के अपने फेवरेट स्पॉट पर बैठकर दोस्तों के साथ क्लासेस बंक किया करते थे, मैं भी भाई या फिर घंटों बहुत बंक कैंटीन में बैठकर टीचर्स की मिमिक्री थी। कॉलेज लाइफ गिव्स अस सो मेनी मेमोरीज टू चेरिश फॉरएवर। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर कॉलेज कैंपस बड़ा और खूबसूरत हो देन लाइफ बिकम्स इवन बेटर, राइट? नहीं, हमारा तो ऐसा नहीं था। टुडे वी आर टेलिंग यू अबाउट द टॉप 12 गॉर्जियस कॉलेज कैंपसेस अक्रॉस इंडिया दैट मेक। हमें लगता था कि बीच के पास वाले ब्यूटीफुल कॉलेजेस सिर्फ बॉलीवुड फिल्म्स में ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन कर्नाटका हैज इट इन रियलिटी। यस, स्प्रेड ओवर 295 एकर्स विद लश ग्रीन सराउंडिंग्स, दिस कॉलेज कैंपस हैज अ प्राइवेट बीच इंक्लूडिंग अ लाइट हाउस टू। ऐसा कॉलेज हो जहाँ से इतना अच्छा व्यू दिखता हो, जहाँ चिल करने के लिए एक प्राइवेट बीच भी हो, प्लस इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ एनआईटी, तो कोई स्टूडेंट रोज कॉलेज क्यों नहीं जाएगा। नेक्स्ट वन इज जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट्स स्प्रेड ओवर 25 एकर्स ऑफ लश ग्रीन स्टनिंग स्लोप्स ऑफ वागनरघाट हिल्स इन हिमाचल प्रदेश। इंफ्रास्ट्रक्चर तो इस कैंपस का अट्रैक्टिव है ही, लेकिन उसी के साथ साथ आसपास का ग्रीन व्यू, हाई माउंटेन्स एंड ऑल ईयर प्लेजेंट वेदर इस जगह को और भी खूबसूरत बना देता है। दिस यूनिवर्सिटी हैज इट्स ओन टेम्पल एंड ऑल्सो हेलीपैड अक्रॉस द कैंपस विच गिव्स इट अ वेरी मॉडर्न लुक, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंड गॉर्जियस लुकिंग कॉलेजेस इन माउंटेन्स। गॉड्स ओन कंट्री केरला की ब्यूटी पर तो किसी को डाउट नहीं है, तो यहाँ का कॉलेज कैंपस कैसे पीछे रहता। IIM Kozhikode campus in Kerala is spread across 20 hills which are part of the Western Ghats and has an array of beautifully designed green trees. तो अगर आपको माउंटेन्स पसंद हो then you'd fall in love with one of the most picturesque and oxy-rich campuses in the country. और स्पेशली ड्यूरिंग सनसेट जब ये कैंपस लिट अप होता है ना, इट लुक्स नो लेस देन अ ड्रीम। SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन चेन्नई वैसे तो किसी बीच और हिल स्टेशन के पास नहीं है, लेकिन इस कॉलेज कैंपस का एस्थेटिक आर्किटेक्चर एंड लश ग्रीनरी विल डेफिनेटली लीव यू स्पीचलेस, और इसलिए यहाँ के स्टूडेंट्स इसे ओएसएस इन द डेजर्ट भी कहते हैं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन द कंट्री जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पिक्चरस्क लॉन्स, डार्क पिंक कलर ब्यूटिफुल ट्रीज, फाउंटेन्स और ओवरऑल सीनिक सेटिंग के लिए भी इक्वली फेमस है। सेंट जेवियर्स कॉलेज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉलेजेस इन मुंबई जो जाना जाता है अपने इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर के लिए भी, विच लुक्स सो प्रिटी एंड आई कैची। इसके अलावा दिस कॉलेज कैंपस हैज अ ब्यूटीफुल चैपल एंड अ लेजर स्पेस कॉल्ड द वुड्स विच इज नोन फॉर इट्स लश ग्रीनरी। बहुत से रीजंस के लिए ये कॉलेज स्टूडेंट्स का ड्रीम कॉलेज होता है। ये कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस लिस्ट में तो है ही, इसी के साथ साथ ये बहुत ही प्रेफर्ड फिल्म शूटिंग लोकेशन भी है, जहाँ कुछ कुछ होता है जाने तू या जाने ना और मैं हूं ना जैसी कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। IIT Kharagpur in West Bengal has the largest campus of 2100 acres among all the IITs in India. कहते हैं कि इस कॉलेज को स्विस आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था और इसलिए इसका आर्किटेक्चर देखने लायक है। यहाँ स्विमिंग पूल्स, जिमनेजियम्स, आउटडोर एंड इंडोर स्टेडियम एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ इट्स टाइप सब है। और हाँ, IIT Kharagpur कैंपस का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है यहाँ का जिमखाना। लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ बेंगलुरु एंड स्प्रेडिंग ओवर 400 एकर्स ऑफ एरिया, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के स्प्रॉलिंग ग्रीन कैंपस की हाइट है 942 मीटर्स, विच मेक्स इट द हाईएस्ट पॉइंट इन एंटायर बैंगलोर। This campus harbors both exotic and indigenous plant species, which make this green landscape a visual treat for those who love greenery and everything around nature. And it's really hard to believe कि यहाँ हम एक college campus की बात कर रहे हैं। वैसे तो दिल्ली के कई colleges अपने larger than life campuses के लिए जाने जाते हैं, पर उनमें सबसे ऊपर जिसका नाम आता है वो है हिंदू कॉलेज, विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फेमस कॉलेजेस इन दिल्ली।
ये कॉलेज फेमस है अपनी हाई कट ऑफ और बेस्ट एंड स्पेशियस कॉलेज कैंपस के लिए एंड इट हैज अ प्रीटी इंप्रेसिव आर्किटेक्चर एंड ब्यूटिफुली लैंडस्केप गार्डन्स व्हिच मेक इट एन इम्पोर्टेंट जेम ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। और हाँ, यही हम सबकी फेवरेट लव सागा, रॉक स्टार और दिल दोस्ती एक्सेट्रा जैसी फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। बिट्स पिलानी, this had to be on our list. After all, it's one of the largest college campuses in India. Spread over an area of 900 acres, the Birla Institute of Technology and Sciences is a very pretty campus. India ka pehla technological museum, yani Birla Museum, and a very beautiful Saraswati temple there, which is built with only white marbles. Covered with wooden parts, BITS Pilani ka campus looks so magnificent ki aapko lagega ki aap ek alag hi city mein aa gaye hain. Next one is Indian Institute of Technology, Guwahati, which is situated on the northern banks of river Brahmaputra. जिसके एक तरफ the majestic Brahmaputra river है, तो दूसरी तरफ hills and lush scenery. Spread over 700 acres, this campus is widely considered as one of the most mesmerizing campuses in India. इस scenic location पर sunset और sunrise देखने का एक अपना ही मजा है. इसी के साथ साथ you'll see a number of migratory birds flying here all day long. Located in Doon Valley, Forest Research Institute is one of the famous and oldest institutions of its kind. Its 1300-acre campus made green forests, well-crafted and maintained gardens, glorious buildings serve hai, which date back to the pre-independence era. The building was also listed in the Guinness Book of Records as the largest purely brick structure in the world for some time. Its Greek-Roman style architecture mein kai Bollywood films ki shooting bhi hui hai. जैसे रहना है तेरे दिल में, पान सिंह तोमर एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर। श्रीनगर जैसी खूबसूरत जगह जिसे हम सब हेवन मानते हैं, वहाँ अगर कोई कॉलेज कैंपस होगा तो ब्रेथ टेकिंग तो होगा ही। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर इज अनआर्गुएबली द मोस्ट गॉर्जियस कॉलेज कैंपस इन इंडिया। सर्दियों के टाइम यहाँ इतनी स्नोफॉल होती है दैट इट लिटरली लुक्स लाइक अ व्हाइट वंडरलैंड। The snow-covered lakes, beautiful hills, Dal Lake, which is at the backside of the college, and Hazratgarh Dargah, which is also at a walkable distance, add a lot to its charm. Located in Kashmir Valley and surrounded by the scenic Himalayan ranges, itself make it number one on our list. Well, that was our list of the top 10 gorgeous college campuses across India. सिर्फ यही नहीं, ऐसे और भी बहुत से कॉलेज कैंपसेस हैं इंडिया में जिनमें पढ़ते हुए आपको वेकेशन पर तो जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। All you need to do is just wander around the campus and embrace its beauty. और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर अगर आप भी इनमें से किसी कॉलेज से पास आउट हुए हैं और आपको भी कोई फन मेमोरी याद है। Also, don't forget to share this video with your friends. After all, it's time for a reunion with them. या आप लोग बहुत ही लकी हैं भाई जिनके पास इतने बेस्ट, ये तो अभी और भी ज्यादा होंगे। ये तो मतलब एक बात जो क्लियरली मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि इतनी अच्छी बिल्डिंग के फिल्म शूट की जा रही है उधर, बिल्कुल बिल्कुल, और फिल्म वालों को, फिल्म इंडस्ट्री को जरूरत पड़ रही है उस बिल्डिंग की, और फिर उसी बिल्डिंग को फिल्म सिटी की तरह महफूज नहीं रखा गया बल्कि हम जैसे स्टूडेंट वहाँ एडमिशन लेकर उसे चिल कर सकते हैं भी, यहाँ शाहरुख खान की ये मूवी शूट की गई और एंजॉय करें, ये वाला सीन यहाँ हुआ। और यकीनन मोबाइल में हम ये भी देख रहे होंगे कि यहाँ ये शाहरुख खान ने ऐसे किया था है, और साथ ही हम वो वहाँ खड़े हो होते हैं। नहीं ऐसे होता है, नहीं ऐसे होता है कि वो कॉलेज को देख के ना, ठीक है, तो फिल्म वाले जो होते हैं वो भी यार जाहिर सी बात है वो भी स्टूडेंट रहे होते हैं या उनका भी एक दौर गुजरा होता है, तो वो ऐसी जगह जो होती है उनको देख के तो उनका दिल आ जाता है यार क्यों ना यहाँ पे शूटिंग कर ली जाए इस पल को जो है, क्योंकि पाकिस्तान में तो जमी भाई मेरे ख्याल में कुछ इस तरह का नहीं है कि हमारे यूनिवर्सिटी में शूटिंग हो तो भाई अंडे बढ़ेंगे। अच्छा, पक्की बात है, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी इधर तो हो गई, इधर शूटिंग किसकी करेंगे, सुल्तान रे की, सुल्तान रे वो शान की करेंगे, वो जो ऐसे करता है बस ऐसे ही हो। मैं कहता हूँ मैं तेनों वड देना है ओए मित्रा, ठीक बस यही बस ऐसे ही कुछ चलता है। 101 गोली खा के भी खड़ा हूँ, खड़ा बिल्कुल ऐसे है तो और मार देता है भाई। कौन सी गोलियां खाई है तूने, डिस्प्रिन वाली होती है, डिस्प्रिन भी बंदा 3-5 खा ले तो बंदा नहीं खड़ा हो सकता। सही बात है, सही बात, 101 गोली वो ऐसे ही खा के बस हिल रहे होते हैं जैसे पता नहीं सस्ता नशा किया होता है, ठीक है, तो जाते जाते फिर चले हम अपनी फिल्म।
इंडस्ट्री का मजाक थोड़ी कर रहे हैं, हम तो चले खूबियां बता रहे हैं जी। जी जी, अगर कहते हैं कि वहाँ की खूबियां हैं, कहते हैं जी कुछ सीख लेना चाहिए। नहीं यार, ड्रामा इंडस्ट्री तो हमारी जो है ना, ड्रामा इंडस्ट्री तो भाई, अगर ड्रामे की तो आप बात ना करें, ड्रामा तो ड्रामा ही होता है ना। बंदा कम से कम कुछ करे तो फिल्म जैसा तो कर ही ले ना। बिल्कुल ऐसे, ये बात है। कहते हैं जी कुछ करे तो फिल्म तो करे ना, ड्रामा क्या है। नहीं नहीं, खैर मैं वो बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामे थोड़ा है, हिट है, इंडिया में देखे जाते हैं, उसके अलावा बल्कि पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि इंडियन सीरियल जो है वो नहीं देखी जाती, यहाँ पे केबल जो कनेक्शन है वहाँ पे दुनिया जो है वो बिल्कुल ऐसे वेट करती है कि यार जैसे पता नहीं क्या हो गया। वो मुझे अभी भी बात याद है, वो हमारा एक दोस्त है, उसको शाम 7 बजे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, इसलिए मुझे बात भूल जाएगी। मैंने ना ये आज नहीं गालबन कल की बात है, कल थर्सडे था, आज फ्राइडे है, तो कल की बात है। मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर ये देखें मेरा ये पेन कैसा है, तो उस पे ना वो जिस तरह वो नागिन का नहीं ऐसे ऊपर बने होते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा अच्छा ये तो यार बिल्कुल नागिन की तरह है ना, ये जैसे वो नागिन के ऊपर इस तरह बने होते हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल। फिर मैंने उसे कहा ये तो बिल्कुल एक नागिन ड्रामा भी लगता था, आई थिंक कलर पे, कलर पे जी सिनेमा से देखा हुआ है, मुझे नहीं। तो मैंने उसे कहा चले ये तो बिल्कुल नागिन का पेन हो सकता है। अच्छा वो अगर इससे बात ये कि वो स्टूडेंट थी, लड़की थी, गर्ल्स थी, तो वो कहने लगी सर, मैंने कहा वो नागिन ड्रामा तो आजकल तो सीजन 3 आ गया होगा। उसने कहा नहीं नहीं सर वो सीजन 5 चल रहा है। मैं कहा बड़ी बात है, क्या बात है। वो पहले जब सीजन 1 था उसका तो चंद एपिसोड उसके मैंने भी देखे, बल्कि कुछ इस तरह देखे कि पास मेरे पास स्टूडेंट आती थी इधर मेरे पास पढ़ने के लिए, मैथ करने के लिए, तो उन्होंने वो रिकमेंड कर दिया ऐसे जी हमने सर आज हमें थोड़ी जल्दी छुट्टी दे दी। मैं क्या खैर है आज जी हमने जाना है और ड्रामा हमने देखना होता है ये वो। मैंने पूछा कि कौन सा ड्रामा है, तो उन्होंने कहा, फिर वो बात छिड़ गई और 3-4-5 मिनट हमें हमारी जो कन्वर्सेशन है होती रही, वो यही कहते रहे जी बड़ा इंटरेस्टेड है। तो फिर मैंने ना कहा कि चले ये जो जितनी है दुरानी है मैंने भी फ्री रहना है तो देखते हैं इसमें क्या। तो काफी इंटरेस्टेड था और एक्टर थी उसमें बड़ी, उसके बाद तो पहले वाली तो बहुत खूबसूरत थी, बाद वाली पता नहीं किस तरह की आ गई, फिर उसके बाद जो उसका थर्ड सीजन था उसका थोड़ी। अच्छा ये मजे की बात ये है कि ये ना ऐसे ही चलते चलते ड्रामा एक मिनट में जो है ना किरदार जो होते हैं वो एक्टर जो होते हैं वो चेंज कर देते हैं, लेकिन मजे की बात ये है कि भाई दुनिया फिर भी देखती है, देखती है। और ये फिर एक और कमाल की बात है उनमें जन्म दिखाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये अब दूसरे जन्म की बात आ गई। बिल्कुल ऐसे ही है ये अब पहले जन्म की। और कमाल की बात इसमें ये है कि अभी जो लड़का होता है वो अभी उसी जन्म में जी रहा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो लड़की होती है ना वो दूसरे जन्म में 6-7-8 जन्म नहीं नहीं वो दूसरे जन्म में पैदा होकर ना बड़ी भी हो जाती है। बड़ी होकर फिर उतनी हो जाती है और लड़के की उम्र ही नहीं बढ़ती। इसमें है ना मिस्टेक किस तरह की है। खैर वो तो मतलब एक ड्रामा टाइप का सीरियल है। इसके अलावा हम यार बात कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, कॉलेज से उठा के हम बस वो तो बातों से बात निकली तो फिर हमने जो उसको उठा के पता नहीं कहाँ ले गए। खैर हम आपको बोर नहीं करते भाई, आपके जो है कॉलेजेस जो हैं जो दिखाए गए हैं ये तो जस्ट मतलब ये हर बंदा मतलब जितना फिल्म वो कर सकता है, मूवी बना सकता है, फिल्मा सकता है, तो वो उसने उतने ही बताए होंगे। ठीक है, जो आपने वीडियो देखी हो सकता है इसके अलावा भी हो। ठीक है, ये तो हमें एक भाई ने लिंक सेंड किया था। हो सकता नहीं, डेफिनेटली है। हाँ जितना बड़ा इंडिया है ये 10-12 जो दिखा दिए हैं ये कॉलेजेस, और इसके अलावा ये तो कॉलेज दिखाए गए अभी अपर लेवल की बहुत सारी चीजें होंगी। दिल्ली के अंदर अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर जो स्टडी का स्कोप है ना ये बहुत अच्छा है। दिल्ली के अंदर, दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे, प्राइवेट होंगे, गवर्नमेंट के होंगे, और बड़ा दिल्ली के बारे में बिल्कुल। वो आपका उनका ना दिल्ली का यार वो भाई बता रहे थे कि कोई IIT पास में बंदा है तो उसका नाम मुझे भूल गया, वो भाई पूरे दिल्ली को हैंडल कर रहा है और ये सेकंड चांस है उनका। तो पहले भी मतलब 5 साल वो पूरे करके गए हैं। उसके अलावा वो जो है इनकम टैक्स उसमें वो जो इनका UPSC एग्जाम होता है या कुछ इस तरह का एग्जाम होता है वो देने के बाद वहां पे ऑफिसर गए थे लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। लोग देखो ना यार, एक एजुकेटेड पर्सन है
वो यार फील करते हैं ना, खुद से फील करते हैं यार ये मेरे लिए नहीं बना, ये मैं इस चीज काम के लिए बना ही नहीं हूँ, ठीक है मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसके अलावा और काम कर सकता हूँ। हमारे यहाँ पे ऐसे होता है कि अच्छा यार एक काम मिल गया है, ठीक है भाई सारी जिंदगी वही उसी में चप्पलें घिसा देनी है, ठीक है तो आगे बढ़ने का कोई सीन नहीं है कि यार यहाँ से निकल वो भी ऐसे ही जब आपकी वो एनर्जी खत्म हो जाती है, आप बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो देखते हैं कि अब जी इसके पास वो टैलेंट नहीं रहा या इसके पास उतनी पावर नहीं रही, एनर्जी नहीं रही कि ये वो जवानी वाला काम दे सके, बिल्कुल तो फिर उसकी वो वैल्यू नहीं रहती उस फर्म में, उस इंडस्ट्री में, उस इंस्टीट्यूट में, फिर उसकी वो गवर्नमेंट भी हो तो ज्यादा मतलब जो स्केल्स होते हैं या ग्रेड होते हैं उस हिसाब से जिनका ग्रेड अच्छा हो उनको चलो अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, तो जो आम जैसे आम सिटीजन होते हैं 5 या 7 स्केल पे 9 स्केल पे तो वो तो भाई फिर यही 20-25,000-30,000 पे पेंशन पे तो ये चलता रहता है। तो वो इधर तो ये है कि कहते हैं कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, ठीक है तो भाई आपकी कंट्री की क्या ही बात है यार, आपकी कंट्री में यही होता है यार कि अगर एक हम एक आर्मी सोल्जर को कंपेयर कर लेना पाकिस्तान का और इंडियन आर्मी सोल्जर और पैकेजेस के लिहाज से और जो फैसिलिटी आर्मी आर्मी को वहां मिलती है सोल्जर को और पाकिस्तान में, अगर इस बात को ही कंपेयर करें ना तो मेरे ख्याल में इस बात से ही हम कह सकते हैं कि इंडिया इज डेफिनेटली ग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल इंडिया कहना नहीं पड़ेगा, हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि इंडिया ग्रेट क्यों है, बिल्कुल बिल्कुल फिर हम वाकई ये कह सकते हैं कि वाकई इंडिया ग्रेट है। ठीक है जी बातें होती रहेंगी, आपका शुक्रिया आप हमें देखते हैं लाइक करते हैं, लेकिन इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह अल्लाह हाफिज़।